वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले फिर मिलेंगे चाचा भतीजे? शिवपाल ने दिए संकेत क्या अखिलेश हाथ बढ़ाएंगे? शिवपाल और अखिलेश की दोस्ती में कहां फंसा है पेच? जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश और शिवपाल भी नजदीक आने लगे हैं। शिवपाल यादव लगातार इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश उन्हें बुलाएं और फिर वो एक हो जाएं, लेकिन अखिलेश के दिमाग में अभी कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। देखिए शिवपाल यादव ने क्या कहा है। शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि आपकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो जाएगा, जवाब देते हुए उन्होंने कहा वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय करने के लिए तैयार है, लेकिन सम्मान के साथ। इससे पहले शिवपाल ने कहा था वो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। उनकी फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो जाती है, लेकिन भतीजे अखिलेश से नहीं हो पाती। उन्हें इस बात का दुख है कि अखिलेश उनसे फोन पर बात नहीं करते। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक रैली में शिवपाल ने मीडिया से बात की थी। शिवपाल ने कहा था मैं चाहता हूं सभी समाजवादी पार्टी के नेता एकजुट हो जाएं, मैं सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा था कि जनता जैसा फैसला करेगी उसके आधार पर हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके इसी बयान को समझौते के तौर पर देखा जा रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में अखिलेश यादव से पूछा गया क्या चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन करेंगे। इसके जवाब में सपा प्रमुख ने कहा मैंने इस बात पर कई बार जवाब दिए हैं, उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है, उनका बाकायदा सम्मान किया जाएगा। हालांकि अभी अखिलेश ने अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों के मिलन के बीच की कड़ी मुलायम सिंह यादव बन सकते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।